दिस इज़ द बेस्ट सीरीज इन माई होल लाइफ, क्योंकि एक रोमांटिक सीरीज में एक ना एक तो किसिंग सीन होता ही है, लेकिन इस सीरीज के मेकर्स इतने अच्छे हैं कि एक भी किसिंग सीन नहीं दिखाया है। तो वेलकम बैक गाइस सीरीज ऑफ वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। इस वीडियो में आज हम इस सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि सीरीज का नाम क्या है, सीरीज की स्टोरी कैसी है और क्या तुम्हें सीरीज देखनी चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की स्टोरी बताने से पहले मैं सीरीज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो सीरीज का नाम है डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, और गेस करो कि ये सीरीज कौन से साल में आई होगी, 2020, 2021, 2019, 2018। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ये सीरीज 2016 में आई थी। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि भाई तू इतनी पुरानी सीरीज क्यों देखता है, तो मेरा आंसर ये है कि तुम लोगों के लिए सीरीज का अभी तक सीजन 1 ही रिलीज हुआ है, जिसमें करीब 21 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का वॉच ड्यूरेशन 40 से 45 मिनट का है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा एपिसोड से तो तुम्हें कम से कम 6 से 7 घंटा देना होगा इस सीरीज़ को। तो सीरीज़ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा लीड हीरो सीजिन, जो कि आर्मी में कैप्टन है, और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि डॉक्टर है, जिसका नाम है मोयोंग। और एक दो डेट के बाद ही अपनी हीरोइन अपने हीरो को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि जब भी दोनों डेट पर जाते थे उसी टाइम पर सीजिन का ऑपरेशन चला आता था और वो चला जाता था। तो मोयोंग ने सीजिन से कहा ना हो पाएगा। उसके बाद सीजिन का उरुक में पोस्टिंग हो जाता है। उसके 3-4 महीनों के बाद मोयोंग को भी मेडिकल टीम के साथ उरुक में भेजा जाता है, और दोनों फिर से मिल जाते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें फिर से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सीरीज रोमांटिक है तो तुम्हें इमोशन तो देखने को मिलेगा ही। उसी के साथ मैंने सोचा था कि सीरीज रोमांटिक होने की वजह से एक दो तो किसिंग सीन हो ही जाएंगे, मतलब कि किसिंग सीन नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी किसिंग सीन आता है तो मेकर्स क्या करते हैं, कैमरा को बहुत ही दूर कर देते हैं या तो काट ही देते हैं सीन को। इससे तुम्हें एक बेनिफिट है, तुम अपने फैमिली के साथ बैठकर इस सीरीज को देख सकते हो। अब अगर एक्शन की बात करें तो तुम्हें ज्यादा तो एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ऑपरेशन से जहाँ पर कुछ एक्शन और गन सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ डायलॉग से जो कि मेरे को थोड़ा सा चीप लगे, मतलब कि उन डायलॉग्स को सुनने के बाद मैंने अपने आप से बोला कि भाई ये तुमने क्या बोल दिया। बट इसमें डिसअपॉइंटेड होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीरीज को हिंदी में डब किया गया है और मैंने हिंदी में ही देखा है, तो शायद हिंदी में ऐसे डायलॉग डाले गए होंगे। लेकिन अगर तुम कोरियन लैंग्वेज में सीरीज को देखते हो तो वहाँ पर शायद ये सब डायलॉग नहीं होंगे। तो तुम्हारी मर्जी, तुम इस सीरीज को कौन से लैंग्वेज में देखना चाहते हो। अब बात ये आती है कि इस सीरीज का सीजन 2 आएगा या नहीं, क्योंकि लिटरली सीरीज बहुत ही अच्छी है। और मुझे पता है तुम लोग सीजन 1 खत्म करने के बाद गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे डिसेंडेंट्स ऑफ द सन सीजन 2 रिलीज डेट, और तुम्हें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज देखने को मिल जाएंगे कि हाँ सीजन 2 शायद आ सकता है, मेकर्स सोच रहे हैं सीजन 2 के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इसके बहुत ही कम चांसेस है कि इसका सीजन 2 आएगा, क्योंकि सीरीज के लीड एक्टर्स सोंग जोंग की और सोंग हेयोक हस्बैंड वाइफ थे, शायद तुम लोगों ने ठीक से सुना नहीं, थे, और उनका डिवोर्स हो चुका है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि इसका सीजन 2 आएगा। खैर वैसे तुम क्या सीरीज को देखना चाहोगे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और देखते रहो ट्रेडिशनल ह्यूमन।